मैं इस चैप्टर के बारे में पहले आपको समझा चुकी हूँ, अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लियर? ओके। 1.1 इसमें बताना है, जीरो इज अ रेशनल नंबर, इज जीरो इज रेशनल नंबर। यस, बता चुकी हूँ जीरो रेशनल नंबर है, बिकॉज जीरो को हम लोग ए अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/8, 0/11, आंसर 0, इट मीन्स यस, और इसको ए अपॉन बी फॉर्म में। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, 5, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ये भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। हमें यदि रेशन नंबर बीच में पुट करने होते हैं तो जितने नंबर्स वो कहता है उसमें हम +1 कर लेंगे। अब यहाँ पर 6 रेशनल नंबर, इट मीन 6 + 1 = 7, मल्टीप्लाइड बाय 7/7, 7/7 कम्स 21/7, 28/7। देखिए इसकी वैल्यू 3 हुई, 7 3 7 4 7, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, जितने नंबर्स उसमें +1 कर। अब ये नंबर्स आए यहाँ पे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझा चुकी हूँ, जो मैंने पहले चैप्टर पहले जो इस चैप्टर के समझाए थे सब। अब ये इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन में 3/5 and 4/5 पुट 5 रेशनल नंबर, 5 मीन्स 5 + 1, इट मीन 6, मल्टीप्लाइड बाय 6/6 and 6/6 कम्स 18/30, 24/30। अब आप इसमें आराम से आ जाएंगे। क्लियर? 19/30, 20/30, 21, ये नंबर्स आराम से आ जाएंगे। मतलब उसको हम चेंज कर लेते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, जैसे 2/3 है, इसको यदि हम 2/2 से मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स 4/6, 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू इज 6/9, तो फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, ये सब लाइक फ्रैक्शन ही है, ये इस तरह के आप लोग पहले कर चुके हैं, आप लोगों इक्वलेंट फ्रैक्शन है ये, 2/3 = 4/6 = 6/9 = 8/12, ये सब के सब इक्वल फ्रैक्शंस हैं, वही उसी रूल को से फॉलो करना है। क्लियर? ओके, राइट। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ, मैंने आपको बता चुकी हूँ नेचुरल नंबर मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी, होल नंबर नेचुरल नंबर एंड 0 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल इंफिनिटी, इंटीजर्स प्लस एंड माइनस एंड 0 प्लस माइनस 2 इस इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू फॉर्म, इरेशनल पी अपॉन क्यू फॉर्म में उन्हें हम नहीं लिख सकते, ये रिपीटिंग होते हैं इनके डेसिमल, ये रिपीटिंग नहीं होते, इस पे टर्मिनेटिंग होती है, टर्मिनेटिंग नहीं होती। एग्जाम्पल 2.626262, इट इज अ रेशनल नंबर, बट 2.678823 रिपीट नहीं हो रहा है, इरेशनल नंबर, एंड √2, √3 ये सब इरेशनल नंबर, और उसके बाद में बाकी सब रियल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये सब रियल नंबर मीन्स रियल नंबर में सभी आते हैं। क्लियर? ओके। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो, फॉल्स है ये, क्लियर कर चुकी हूँ आपको मैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो, ये भी फॉल्स है। क्लियर? सेकेंड एक्सरसाइज आ जाइए।
state whether the following statements are true or false. Clear? Justify your answer. Every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. Yes, क्योंकि real number में अभी बताया मैंने rational भी आते हैं और irrational भी आते हैं. तो every irrational number is a real number, but every real number is not a rational number. Clear? हम यहाँ जो मैंने आपको बताया था sequence आपको मैंने कराई थी natural number, whole number, integers, rational, irrational, real. तो this belongs to this, this belongs to this. मतलब मिस जब हम डाउन से अप में आएंगे तो ये नंबर्स को बिलोंग्स करेंगे, बट जब हम अप टू डाउन आएंगे तो ये नंबर्स इसमें बिलोंग नहीं करेंगे. क्लियर? ये आप सीक्वेंस ध्यान कर लीजिएगा. सीक्वेंस यदि आपको याद रहेगी तो कोई भी ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे. इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर. क्लियर? ओके, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. देखिए रूट टू, इसका स्क्वायर तो देखिए टू ही होगा. क्लियर? बट माइनस वन स्क्वायर माइनस वन, इसका जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वन और साथ में आयोटा आता है. ये आपके उसमें अभी है नहीं ये वाला, जब इसको हम करेंगे स्क्वायर तो ये आंसर आता है. ये अभी आप लोगों की ट्वेल्थ क्लास में कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, नंबर्स होते हैं आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर वो अभी आपके उसमें भी है. क्लियर? तो ये एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. तो इसमें पता है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव उन सबको हम करते हैं, बट नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव प्योरली नहीं होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. सो फॉल्स. थर्ड, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर. ट्रू? नो, सॉरी, फॉल्स. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. मतलब रियल नंबर, ऑल रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर, बट इसका अपोजिट इज ट्रू. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सेकेंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. सभी नंबरों का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर. देखिए इसका एक नो, देखिए फोर है, फोर क्या इरेशनल, फोर रेशनल नंबर है. इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? टू होगा, वो भी रेशनल है. इसी तरह से नाइन रेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? थ्री, वो भी रेशनल नंबर है. सो ये नो है, ये एक्सप्लेनेशन होगी. एग्जाम्पल, शो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफी सारे से पहले वाले लेक्चर में आपको कराए थे, दोबारा से इसको मैं रिविजन के तौर पे करा दिए. इसमें हम क्या फॉलो करते हैं? इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं. क्लियर? यहाँ पे से रूट फाइव बनाने हैं. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? रूट फाइव स्क्वायर्स का फाइव हुआ, तो नंबर हम क्या ले लेंगे इसमें? फोर प्लस वन, टू स्क्वायर प्लस वन. क्लियर? तो इट मीन्स टू यूनिट एंड वन यूनिट. देखिए यहां पर टू यूनिट और वन यूनिट, तो ये रूट फाइव बन गया. हमने यहां पर टू यूनिट मीन्स आपका टू इंच का हमने यहां पे पॉइंट, यहां पर 90 डिग्री का एंगल हम लोग बनाएंगे, यहाँ वन यूनिट मीन्स यहाँ पे आपने वन इंच ले लिया क्योंकि यहाँ टू इंच लिया है,
इंच ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, ये रूट फाइव हो गया। यहाँ से हमने कंपास लेके ऐसे ड्रॉ कर दिया, रूट फाइव बन गया, क्लियर। और इसका ये आगे मैंने जस्टिफिकेशन भी कर दिया, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, देखिए जस्टिफाइड बिकॉज ओ बी स्क्वायर टू ओ सी सेम आर। इसकी ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, उनकी रेडियस की लेंथ सेम होती है। सर्कल बनाएंगे यहाँ से, इस पॉइंट से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका ये डिस्टेंस है, यहाँ से जो हमने आर्क लगाई, क्लियर। ओके, अब एक्सरसाइज 1.3। यहां हमें बताना है राइट द फॉलोइंग इनको सबको, हमें इन सबको आपका डेसिमल फॉर्म में हमें करना है, क्लियर। सबको हमें डेसिमल फॉर्म में करना है, उसके बताना है किस टाइप की ये डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, टू टाइप्स के बताए थे मैंने। इसको तो इजीली कर लेंगे, देखिए इसमें टू जीरो है या टू जीरो आ गए, यहां हमने 11 से डिवाइड करा, आप लोग कॉपी में जब करेंगे प्रॉपर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर लिखेंगे, मैंने खाली आंसर आंसर लिखे हुए, डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आंसर आएगा। इसको पहले हमने मिक्स बनाया उसके बाद डिवाइड कर दिया। ये वाला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, 13 वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला ये करा देती हूँ आपको मैं, 13 डिवाइड 3 डिवाइड बाई 13, 3 को 13 से डिवाइड करा, क्लियर, 3 डिवाइड बाई 13 0.02 26 4 0 3 39 1 0, इट मीन्स अभी नहीं 0, अगेन 1 0, 7 91 9, ओके 90, अगेन 6 78, 2 120, 9 170, कम्स 3, देखिए फिर से रिपीट हो गया, 3 आ गया यहाँ पर, इट मीन्स इसके बाद में फिर सेम रिपीट होगा 2 3 0 7 7 6। हम इसको यहीं पे लीव कर देंगे, क्लियर। इसी तरह से बाकी सारे डिवीजन करेंगे, ये इसमें देखिए रिपीट नहीं हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, दिस आल्सो टर्मिनेटिंग, क्लियर, ओके राइट। अब देखिए सेकंड वाला, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू दे रखी, 2/7 की बतानी, 2 से मल्टीप्लाई करा, ऐसे बाकी 3/7 सबको निकाल लिया, उसमें 3 से मल्टीप्लाई। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इसमें हमें इनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी नहीं कराया है, मैंने एक्सप्लेन भी नहीं करे, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ है 0.6, क्लियर, 0.6, लेट एक्स इक्वल्स टू दिस, हम इसको यहां से बार हटाकर रिपीट कर दें, बार का मीन्स क्या, और रिपीटिंग, जो रिपीट नंबर हो रहा है उसको हम पॉइंट के इस साइड ले आएंगे, मीन्स 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x 6.6, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब कितना भी नंबर ऐड कर लो माइनस कर दो कुछ डिफरेंस नहीं आता। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 माइनस 1 हो गया, 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/9 इक्वल्स टू 2/3, क्लियर। और क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए कहां पर रिपीट है, यहां पर बार किस पे लगा, सेवन पे लगा है, इट मीन सेवन रिपीटिंग है। इस क्वेश्चन में जो रिपीट नहीं है उसको पहले हम इस साइड लाएंगे, मीन्स टेन से मल्टीप्लाई करेंगे हम, देन कम्स 4.7777 डॉट डॉट डॉट। अब जो रिपीट नंबर है उसको भी इधर लाएंगे, इट मीन्स 0.77777। इक्वेशन 1, 2, 3। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन देखिए 90x = 43, x = 43/90। मीन्स जो पहले रिपीट नहीं था उस नंबर को लाए, फिर रिपीटिंग वाले नंबर को हम लोग लेकर आए, क्लियर। अब क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी में भी कितने भी नंबर हम ऐड कर सकते हैं। अगेन देखिए ये वाला, इसमें कितने नंबर रिपीट है, 3 नंबर, तो इट मीन्स इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 30 मीन्स 1000, 001.001001001, बिल्कुल इसके नीचे लिखा करिएगा जिससे कि इजी हो जाता है माइनस करें। अब इसमें से माइनस करेंगे 999, x = 1/999, क्लियर। मैं थोड़े से आपको एग्जांपल और करा देती हूँ, सपोज जैसे ये है x = 7.672727272 मतलब 72 यहां पर रिपीट हो रहा है, क्लियर। देखिए तो पहले ही मैंने बताया जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको धर लेंगे, इट मीन 6 को 10 से मल्टीप्लाई होगा, जो रिपीट नहीं हो रहा है 0.72। अब जो रिपीट है उसको उधर लाएंगे हम, मीन्स 2 जीरो इसमें एक्स्ट्रा और लग जाएंगे, (7672.7272…). अब इसमें से माइनस कर देंगे हम, अब अगेन x = this upon this आ जाएगा, वैल्यू निकाल लेंगे। तो मिस आपने क्या देखा कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो रिपीट नहीं है उसको पहले हम लाएंगे इस साइड, फिर रिपीट वाले लाएंगे, और यदि ओनली रिपीट वाले हैं तो फिर तो कोई, फिर तो बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी सेम आपको वही करना हैगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सप्रेस 0.9999, मतलब रिपीट है वही x लेंगे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई होगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अभी, बस और कुछ नहीं करना, सेम एक्सप्रेस करना है इसको p अपॉन q फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल, ओके 1/17, कुछ नहीं डिवाइड करना है इसको, 1/17, ये आप काफी लंबा आएगा, इसका ध्यान रखिएगा बहुत लंबा है, ये मत सोचिएगा हमारा रॉन्ग हो, रॉन्ग नहीं हो रहा है, काफी सारे डिजिट तक आगे लंबा आएगा, ये काफी लंबा आएगा, ये आप डिवाइड कर लीजिएगा, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन,
Look at the several example. Okay, from the p upon q. तो हमें ये कह रहे हैं इसमें कि ज्यादा examples होते हैं वो p upon q form में इसमें हैं, numbers होते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे क्या इसमें देखते हैं यहाँ पर ये कि क्या इसमें कुछ इंटीग्रल विद एन कॉमन फैक्टर अदर देन द वन एंड द हैविंग द टर्मिनेटिंग जैसे रिप्रेजेंट द ओके राइट. हमें ये बताना है कि ये p upon q form में और ये दोनों क्या है को प्राइम है. ओके जैसे सपोज यहाँ पे 7/5 ओके और या फिर आप ले लीजिए 3/4 ठीक है या आप ले लीजिए 6/8 ये सब नंबर देखेंगे आप ये सब की सब टर्मिनेटिंग आएंगे या सपोज आपने ले लिया 7/125 या 25 ले लिया 40 ले लिया 80 ले लिया ये सब टर्मिनेटिंग आएंगे इनमें रिपीट नहीं होगा. तो इसमें कहने की ये बताइए क्या प्रॉपर्टी है ये p अपॉन q फॉर्म है तो हमें बताना है कि q की क्या प्रॉपर्टी होगी. q की इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी q या तो 2n फॉर्म में होगा 5m फॉर्म में होगा और बोथ इसी फॉर्म में होगा तभी टर्मिनेटिंग होगी अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगी. अब देखिए ये वाले क्वेश्चन से आप देख लीजिए 36/100 ये देखिए इस 100 को 50 × 2 25 × 2 इट मीन देखिए यहां पर ये 5 × 2 5 × 2 इस फॉर्म में है देखिए मीन्स 36/5² × 2² देखिए 5 और 2 फॉर्म में टर्मिनेटिंग आ गया. 11 में देखिए 8 में देखिए ये किसका है 2³ 13 में ये देखिए रिपीटिंग आ गई ये भी रिपीटिंग आ गई. अब देखिए 400 6 वाले में देखिए 400 2 × 2 × 100 अब 100 के हम फैक्टर बनाएंगे तो 5 और 2 फॉर्म में ही आएंगे इसमें इसके डिनोमिनेटर में भी 5m और 2n फॉर्म में या तो सिर्फ सिंगल 2n फॉर्म में हो 5m हो और बोथ. अब देखिए सपोज यहां पर 15 ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा बिकॉज 5 है बट 3 भी मल्टीपल है इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं. अब देखिए 24 2 है बट इसमें 3 भी मल्टीपल है इट भी टर्मिनेटिंग नहीं है. तो क्या प्रॉपर्टी होती है क्योंकि q इज इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m और बोथ ये प्रॉपर्टी होती है. इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स कर लीजिएगा जैसे 4/25 हो गया 3/125 2/8 7/40 ऐसे कुछ एग्जांपल्स कर लीजिएगा उसके बाद में शो कर दीजिएगा ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. 3 नंबर्स हमने लिख दिया ये क्लियर और उनका देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है इट मींस इरेशनल नंबर होंगे. अगेन 5-3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स दिस अभी तक हमने इनके बीच में रेशनल नंबर निकाले थे अब हमें क्या निकालने हैं इरेशनल नंबर. तो हम नॉर्मल इनको डिवाइड करेंगे क्लियर इसको हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद में फिर हम
हम इसको देख लेंगे, इसमें से डिवाइड करा, यहाँ पे रिपीटिंग हुआ, ये नंबर आया। अब इनके बीच के नंबर हम देख लेंगे, 0.714285 और इसका नंबर आया 0.81। क्लियर। अब थ्री रेशन नंबर बताने हैं, तो देखिए इसके बीच में 71 है ना यहाँ पर, तो इससे कुछ बड़ा नंबर ले लीजिएगा, कोई भी ले लीजिएगा, यहाँ पे 72, बट इससे स्मॉलर होना चाहिए 81 से। 0, 7, 2, दो जीरो लगा दीजिए, 7, 2, 3, 0 कर दीजिए, 7, 2, 4, 0, बस ऐसे डॉट 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 आ गए। एक नंबर ले लीजिए 0.78560 8, कुछ भी नंबर लिख दीजिए, डॉट 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 आ गए। एक नंबर ले लीजिए 0.85 8080 800 8300 8.5, कोई भी नंबर ले लीजिएगा इसमें ये, बट उससे पहले इसको डिवाइड करके रिपीटिंग उसमें हम चेंज कर देंगे, या तो टर्मिनेटिंग आएगी या फिर रिपीटिंग आएगी, क्योंकि ये दोनों रेशनल नंबर। क्लियर। अब उसके बाद एग्जांपल, इसके बाकी क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लेंगे, नाइन इसमें जस्टिफाई करना है, बताना है इसमें कौन से रेशनल नंबर हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बट मैंने यहाँ फिर भी एक एग्जांपल आपको बता दिया है, इसको हमें विजुलाइजेशन करना है, कैसे करेंगे। ये 3.765, तो पहले हम किसको करेंगे, 3.7 को प्लॉट करेंगे, तो 3.765 को हमें करना है, तो पहले 3.7 किसके बिटवीन होगा, 3 और 4 के, तो हम 3.7 को उसमें बीच में कर देंगे। आफ्टर दैट यहाँ तक करेंगे 3.76, ये किसके बिटवीन होगा, 3.7 और 3.8, अगेन 3.765, ये किसके बिटवीन होगा, 3.76 और 3.77 के बिटवीन होगा, ऐसे कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 4.26, इट मीन्स रिपीटिंग होगा, इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। अभी इसमें कितने डिजिट तक करना है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मीन्स 4.2626 हमें इसको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.2 किसके बिटवीन है, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 4.2। उसके बाद 4.26, ये किसके बिटवीन होगा, 4.2 और 4.3। उसके बाद में फिर ये वाला आ जाएगा, क्लियर, यहां पर 4. यहां मैं लिख देती हूँ क्लियरली, 4 और 5 के बिटवीन 4.2 and 4.3, between 4.26, 4.26, 4.27, between 4.262, clear। उसके बाद में 4.26, 4.263, between 4.26, 4.262, clear। 4.26, 4.262, sorry, 6, 3, ये इसके बीच में नंबर आ गया, ये इसके बीच में आ गया, ये नंबर हो गया, एंड दिस नंबर। इसको इसी तरह से हम लोग विजुअलाइजेशन करते रहते हैं, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले, क्लियर। थोड़ा समय
क्लियर? ओके राइट, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब मैं अगली एक्सरसाइज बताती हूँ आपको। यह है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। ये तो आराम से कर लेंगे। फर्स्ट वाला क्या है? इरेशनल। सेकंड नंबर, इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं, ओपन करेंगे, कटिंग हो जाएगा, इट मीन्स आंसर 3। ये रेशनल, ये इरेशनल, रेशनल। थर्ड इज रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, ये कटिंग हो जाएगा, इट मीन 2/7, ये भी रेशनल। फोर्थ क्वेश्चन, 1/√2, इट मीन्स ये तो इरेशनल ही है। फिफ्थ क्वेश्चन, 2π, इरेशनल, क्योंकि पाई इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 3+√3, 2+√2। ये देखिए, इसको तो नॉर्मल हम लोग पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशंस को, उसके बाद -3 से करेंगे। 2 इसको इससे करा हमने, इसको इससे करा। के बाद में √3 क्लियर। अब देखिए, 3 × 2 = 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, इसमें से कोई भी लाइक टर्म है? कोई भी नहीं है। इसमें दिस इज द आंसर। सेकेंड वन, 3+√3 3 - √3। यहां पर बजाय इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई करें, आई थिंक आप लोगों को फॉर्मूला आता होगा, आइडेंटिटी लर्न होगी। Equals to a² - b² हम इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, 3 को इससे करेंगे, फिर इसको आफ्टर दैट √3 से करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, बट यदि फॉर्मूला लर्न है तो इजी है। 3² - √3² आंसर इज 9 - 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 + √2² यहां भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आपको आई थिंक फॉर्मूला लर्न होगा। a+b² = a² 2ab + b² लर्न? ओके, यहां वैल्यू पुट करेंगे, इट मीन्स दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a² मीन्स √5² 5 √5 × b = √2 प्लस b² = √2² √2 जब किसी रूट का उसी रूट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रूट कैंसिल हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म हो गए, रेशनल है, इट मीन 7 प्लस 2√2, दिस इज द आंसर। क्लियर? अब जो ये है फोर्थ वाला क्वेश्चन, सेम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह से, 5 - √2 सेकंड ब्रैकेट में 5+√2 5 - √2 × 5+√2 तो वही सेम है, a² - b² 5² = 25 b² = 2 = 20।
क्लियर, अंडरस्टूड? ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर, ये कि इसको तो हमने ये पहले कर ही चुके हैं आप लोग, 3 से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हमने रूट 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 रूट 2, 2 रूट 3, 2 3 जा 6, कोई लाइक टर्म नहीं, दिस इज द आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, रिकॉल पाई इज अ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। दिस सीम टू द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस? ओके, ये कह रहे हैं कि ये इसको c अपॉन डी फॉर्म में, मतलब a अपॉन बी फॉर्म में, तो इट मीन्स ये रेशनल हो जाए, बट इरेशनल है। जब इसकी वैल्यू आपको मालूम है 22 अपॉन 7, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसमें कहीं भी रिपीटिंग नहीं आता, वो आप डिवाइड कर लीजिएगा, देख लीजिए, रिपीटिंग नहीं आएगा, तो इट मीन्स इसी बस इसी से प्रूफ हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर में रिपीटिंग मस्ट है, क्लियर, बट इसमें रिपीटिंग नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, क्लियर, 9.3, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कराया था पहले वाले लेक्चर में, क्लियर। इसको हमें यहां पे रूट है, रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, इसको हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था 9.3 का हम यहाँ पर खींचेंगे, ए बी 9.3 यूनिट, तो 9.3 सेंटीमीटर करिएगा, 9.3 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट एक्स्ट्रा, मतलब कि 1 इंच एक्स्ट्रा, उसके बाद में ये सी पॉइंट हो गया, ए एंड सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे हम कंपास से, कैसे बनाते हैं आपको मालूम है, देखिए ऐसे लेंगे इधर, इधर से, इधर से लेंगे, सेम वही, सेम आप में चेंज नहीं होना चाहिए, इससे इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, दिस इज द ओके राइट सेंटर, नाउ ड्रॉ सेमी सर्कल, क्लियर, इस पॉइंट को हम लोग ओ रख देते हैं, क्लियर, यहां हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये जो लाइन है ये रूट 9.3 लेंथ होगी, बी ई इक्वल्स टू 9.3, मीन्स हमने कैसे करा, पहले हमने यहां पर जो गिवन नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, गिवन नंबर को हमने यहां पर उतना मेजरमेंट ड्रॉ करा, 1 इसमें एक्स्ट्रा ले लिया, मिस 10.3 की लाइन हो गई है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, उससे सेंटर आ गया, उस सेंटर से हमने सेमी सर्कल बना दिया, अब जहां पर 9.3 ये है, यहां हमने 90 डिग्री का यहां पर लाइन एक ड्रॉ करी परपेंडिकुलर इस पर, तो ये BE इक्वल्स टू रूट 9.3, अब यहां से इसको सेंटर, B को सेंटर लेके हम लोग यहाँ पर सेम रेडियस के ऐसे आप बना देंगे, तो ये हो गया F, सो बी एफ इक्वल्स टू रूट 9.3, इसको हम, इसको मैं आपको जस्टिफाई भी कर सकती हूँ, हालांकि सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी समझ जस्टिफाई हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से इसको मिला दीजिए आप, क्लियर, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सेंटर है, सेंटर है, तो इट मीन्स ओ ई इज द रेडियस एंड ओ सी ऑल्सो इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, सो ओ ई इक्वल्स टू ओ सी, क्लियर, अब देखिए ओ सी कितना, यहां से यहां तक कितना हुआ 10.3, 9.3 प्लस 1 10.3,
upon 2. Half हुआ इसका, clear? तो OE equals to 10.3 upon 2, clear? अब देखिए OB, यहां से यहां तक 10.3 है, ये 1 है, ये 1, इस 1 को निकाल देंगे, OB equals to 10.3 upon 2 minus 1, clear? 10.3 minus 2 upon 2 equals to 8.3 upon 3. Clear? Understood? अब देखिए, अब यहां पर हम करेंगे O E square equals to OB square minus plus BE square, clear? हमें BE को प्रूफ करना है कि 9.3, इस BE को सब्जेक्ट बना लीजिए, BE square equals to OE square minus OB square, OE 10.3 upon 2 square minus OB 8.3 upon 2 square. Understood? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ये ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ भी 2 सेम है, इसको हम लोग ओपन नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको बाहर ले लेते हैं. 2 2 4 ये बाहर आ जाएगा. ऊपर 10.3 होल स्क्वायर माइनस 8.3 होल स्क्वायर. क्लियर? अब देखिए, यहाँ हम फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 10.3 इंटू 10.3 माइनस 8.3 इंटू 8.3, बट इसका बेस्ट है हम लोग इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर ले. फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. तो यहाँ 10.3 प्लस 8.3, दूसरे ब्रैकेट में 10.3 इंटू 8.3 अपॉन 4, सॉरी माइनस 6 18.6. यहां माइनस करने पे क्या आया, ये 2. क्लियर? अपॉन 4, 2 1 2 2, इसको हम कटिंग करेंगे, 2 9 जब कटिंग करेंगे तो क्या आएगा यहां पर 9.3 आंसर आएगा. इट मीन्स BE स्क्वायर इक्वल टू 9.3, BE इक्वल टू रूट 9.3. क्लियर? क्लियर हो गया आपको ये? कि मैंने जस्टिफाई भी कर दिया, आता नहीं है ड्रॉ करने बट आपको जस्टिफिकेशन आना चाहिए. हाउ टू दिस, क्या करा हमने, जितना ये रूट का वो हमने बनाया, यहाँ पे 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाया, उसके बाद में इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों ने बनाया, उससे सेंटर पॉइंट मिल गया, हमने यहाँ पे क्या लगा दी, पूरा एक सेमी सर्कल बना दिया. सेमी सर्कल बनाने के बाद में 9.3 है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाकर परपेंडिकुलर बनाया, ये क्या हो गया 9.3 हो गया, इसको यहाँ सेंटर लेके हम लोग बना दिए. क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, ये आपका रेशनलाइज है डिनोमिनेटर 1 अपॉन रूट 7. रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे रूट 7 है, हम क्या कर सकते हैं, इसको रूट 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे तो 7 आ गया, ऊपर रूट 7, ये रेशनलाइज, मतलब कि नीचे इरेशनल है इसको रेशनल बनाना, उसे कहते हैं रेशनलाइज डिनोमिनेटर. अब ये है माइनस, ये माइनस का है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका दूसरा कंसेक्यूटिव क्या होगा, प्लस, ये ऐसे ही करते हैं,
नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 7 माइनस 6, ऊपर रूट 7, 1, आंसर इस रेशलाइज, मतलब नीचे 1 आ गया ना, रेशलाइज हो गया डिनोमिनेटर। यहां हमने रूट 7 से मल्टीप्लाई करा, यहां माइनस था तो प्लस वाले से, यदि प्लस होता तो हम लोग माइनस वाले से करते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड? यहां माइनस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए प्लस ही है, 1/√5 + √2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स √5 - √2 अपॉन 3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√7 - 2, वही सेम प्लस वाले से करेंगे हम। इसका स्क्वायर 7, 2² 4, √7 + 2, क्योंकि ये रूट में नहीं है, 3 √7 2, दिस इज द आंसर। क्लियर, अब देखिए ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई आपको, अब लास्ट एक्सरसाइज। वन अपॉन सिक्स, इसकी हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो ये 2^6 आएगा, क्लियर। जब ब्रैकेट में होता है तो थोड़ा पहले समझ लीजिए इसको आप कैसे करना है, उससे पहले आप समझ लीजिए। देखिए पावर्स मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, डिवाइड माइनस। इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्लियर, यहां पर देखिए एग्जांपल, 3 - 2, 1, अंडरस्टूड? यदि इसके अपोजिट होता है यहां पर -1, इट मीन्स 1/1, क्योंकि आंसर हम लोग प्लस में लिखते हैं। क्लियर, ओके, मीन्स मल्टीप्लाई में ऐड एंड डिवीजन में माइनस, एंड ब्रैकेट देखिए यहां क्या होती है, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सपोज आंसर इज 12, ये कैसे आया देखिए, इसका मतलब ये होता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मीन्स ये 6 टाइम, देखिए 2, 4, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो बजाय इतना हम लंबा करें मिलता है, वैसे इसको रन कर लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर, यही सब रूल इस वाली एक्सरसाइज में फॉलो होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 6, ये किसकी पावर, जब आप निकालेंगे यहां पर फैक्टर आप देख लीजिएगा, ये 2^6 है, 6 × 1/6 कटिंग हो गया, आंसर इज 2। ऐसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 32, 2^5, आंसर इज 2। यहां इसको चेंज करा, मल्टीप्लाई करा, यहां पावर 1 आ गई, यहां पर 1 तो लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहां पे भी 1 आ गई, रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहां पर ही। ऐसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, ये आप लोग कर ही लेंगे। फिर है
Second question. 9, 3 by 2. Same है ये. 3 square 3 by 2. Multiply करेंगे इसमें तो 2 cutting हो जाएगा equals to 3 cube 27. Second question भी इसी तरह से है. ये पूरा question अब थोड़ा इसका question देख लीजिए. Fourth वाला part. 125 minus 1/3. Question है -1/3. ये देखिए माइनस है. इट मीन्स यदि माइनस है तो उसको पहले हम प्लस में चेंज कर लेंगे. वो बेस्ट मेथड होता है. हम दोनों मेथड से कर सकते हैं. पहले इसको प्लस में चेंज करने के लिए इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर ये 1/125 1/3. क्लियर. 1/5 cube. इसका 1/3 ऊपर भी और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई है. जैसे कोई क्वेश्चन है ये 2 square upon 3 square. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2/3 square. इसका मतलब ये होता है ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है. पूरे का स्क्वायर का मतलब जब ये होगा 2/3 into 2/3. क्लियर. ओके तो यहां हमने इसको प्लस में चेंज कर लिया. अब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. नीचे करेंगे हम तो 3 multiply 1/3 इट मींस 5. पावर 1 आ गई यहां पर इक्वल्स टू 1/5. इसको यदि आप प्लस में चेंज नहीं करना चाहते इसको हम ऐसे ही करेंगे तो भी देखिए आंसर यही आएगा. 5 raised to the power -1, it means 1/5. कैसे भी कर लीजिए आप ये. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड. 2/3 and 1/5. चेक कर लीजिएगा ये. मुझे तो क्वेश्चन बुक में कुछ थोड़ी सी इसमें बुक में यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर बुक में आई थिंक यही है. कुछ और हो तो वो लिख लीजिएगा. सबके मेथड तो वही है. क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे इसमें ही है. देखिए यहां दोनों का बेस सेम है. मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया था यहां पे पावर्स ऐड हो जाएंगे. क्लियर. अब इसको हम लोग रफ में सॉल्व कर लीजिएगा. इसको 15 3 13/50. क्लियर. 2 raised to the power 13/50. आगे तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि आगे ये इसकी लोएस्ट पावर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन नीचे वाले मिस प्रिंटिंग है इसमें. ये 1/3 7 है. ये क्लियर ही नहीं हो रहा है इसमें ये क्वेश्चन. ये इसमें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर. शायद आई थिंक 7 है ये. क्लियर नहीं हो रहा कुछ क्वेश्चन वाला. ये 3 यदि है तो इट मीन्स 7/3. और यदि यहाँ पर 7 है ये इट मीन्स 3 क्योंकि 1/7 into 7. मल्टीप्लाई यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ रूल NM. उसको हम फॉलो करेंगे रूल को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोनों का बेस सेम है यहां पर. इसको हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चंस को. यहां मैंने क्या बताया था
बेस सेम है, यहाँ पावर क्या हो जाएंगी माइनस, 11 हाफ माइनस 1/4, इट मीन्स इसको अलग से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, 4 माइनस 2, 2/4, थ्री बाई फोर। ओके 1/4, क्लियर। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/7 इंटू 8 raised to the power, सॉरी मिसप्रिंटिंग काफी है इस क्वेश्चन में, ये अब देखिए यहां पर इन दोनों की बेस चेंज है बट पावर सेम है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 8 ऐसे लिख सकते हैं, 7 8 जा 56, दिस इज द आंसर, क्लियर। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सारे होंगे, थोड़े से इस एक्सरसाइज के आप लोग रूल थोड़ा एक बार फिर देख लीजिए, मल्टीप्लाई पावर एट, डिवाइड माइनस, ब्रैकेट इनटू इनटू, ओके नाउ बेस सेम पावर सेम बेस डिफरेंट है, ए अपॉन बी बेस डिफरेंट पावर सेम, इसके मैं एग्जांपल करा देती हूँ, इस वाले के एग्जांपल देखिए, 6 5 raised to the power 6, इट मीन्स 2/5 6, इसका मतलब होता है पावर इस पर भी है, ये पावर इस पर भी है, अगेन टू मल्टीप्लाई फाइव, क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चन से आपको क्या क्लियर हुआ, इसको हम लोग यहां करते हैं, सिक्स रेज टू द पावर सिक्स, क्लियर। देखिए इट मीन्स यदि कोई क्वेश्चन 72 7 हम इसको 8 9 सा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, क्लियर अंडरस्टूड है। अब मैं इसके बाद वाले वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अलावा उससे रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे वो मैं आप लोगों को कराऊंगी इसके बाद के लेक्चर में, बट वो आपके एग्जाम्स में आते हैं क्योंकि पैटर्न बिल्कुल तुम लोगों का चेंज हो चुका है, क्लियर।